हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, उसके फॉर्म आ चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिएगा। और इस बार पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितनी वैकेंसी आई है, तो ये सारी बातें मैं आज को आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में बताऊंगा। कौन सा पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, कौन से में आपको नंबर लाने हैं, तो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल हम लोग जानेंगे। ये देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है और इसमें आपको डेट बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है, डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म। तो 9/5/2023 से 8/6/2023 तक, यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 8/6 तक आपके भरे जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम की डेट जो इन्होंने दी है, टीयर वन एग्जाम जो होगा वो आपका अगस्त 2023 में होगा। टीयर टू के लिए आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ समय दिया जाएगा, अभी इसमें दिया हुआ नहीं है वो, ठीक है। और इसमें क्या क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, देखो सबसे पहले पे स्केल की बात है। तो पे स्केल इसके लगभग जो लेवल, जो लोअर डिविजनल क्लर्क है उसकी आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो मिलेगी लगभग 34,000 से 35,000 रुपए तक, ठीक है। इसके बाद में अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर पे जाएं तो वो लगभग 45,000 के आसपास हो जाएगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए की पोस्ट है लेवल 4 की, इसमें 50,000 तक आपकी सैलरी होगी, ठीक है। वैकेंसीज कितनी है, तो देखो वैकेंसीज आपकी 1600 पोस्ट इसमें दी हुई है। ये टेंटेटिव पोस्ट है, यानी कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि यही पोस्ट रहेगी, इसमें कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और ज्यादा ही होगी, कम तो होगी भी क्या भाई, 1600 पोस्ट है। अब चलिए, ये आपके नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप एसएससी की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 1/8/23 को, 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, जैसे एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, ऐसे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो रहता है वो जनरली रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। अब मेन बात है कि इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या होगा, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा एग्जाम का पूरा शेड्यूल है। स्कीम ऑफ टीयर वन, ये 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक टीयर वन एक टीयर टू, उसके बाद में आपका एक टाइपिंग टेस्ट और होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीयर वन की। तो भाई देखो, टीयर वन में आपके पहला जो पेपर होगा, फर्स्ट जो पार्ट है, वो 25 नंबर के नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स है, यानी 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 50 नंबर के होंगे। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगी आपके 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के होंगे 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। यानी कि 200 नंबर में से आप ये मान के चलिए कि लगभग 65 से 70% इसकी कट ऑफ जानी है, यानी जिस बच्चे के 130 के आसपास नंबर हैं, 130 140 के आसपास, वो टीयर वन क्वालिफाई कर जाएगा। इसमें जिसके 200 में से 200 आ गए उसको भी क्वालिफाइंग नेचर ही माना जाएगा, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा आपको ये पेपर। और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4, ठीक है, 1.5। अब बारी आती है टीयर टू की। तो भाई टीयर टू में क्या क्या है, टीयर टू में इसमें 3 सेक्शन आपको दिए हुए हैं। 3 सेक्शन क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका वही मैथमेटिक्स, उसके बाद में रीजनिंग। ये मॉड्यूल सेक्शन वन है, इसके 2 पार्ट हैं। 30-30 क्वेश्चन होंगे इसमें, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 180 नंबर आपके इसमें जो है टोटल मार्क्स होंगे। और 1 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है, 1 आवर इसके ड्यूरेशन रहेगा। इसके बाद में शेड्यूल टू जो है वो, उसमें मॉडल वन इंग्लिश और जीके का होगा। इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, यानी कि वही वापस 60 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 180 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी कि आप ये देखिए कि इसमें आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय बच गया तो आप इंग्लिश पे चले जाओ, या इंग्लिश का समय बच गया इसको मैथमेटिक्स पे लगा दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा, उसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग करनी है, और अगला जो 1 घंटा है उसमें आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करनी है। इसमें सेक्शन 3 जो होगा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट। ये 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, यानी कि 2.25 घंटे का आपका पेपर होगा,
ठीक है। और कंप्यूटर टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो केवल इस सेक्शन से बनने वाली है, ये मैथ रीजनिंग और इंग्लिश और जीके। ऐसे ही आपने देखा कि ये जो पहले वाला पोर्शन था इसमें भी आप अगर देखें ढंग से तो इसमें भी आपकी इंग्लिश जीके मैथ और रीजनिंग ही है, यानी कि आपको इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जीके इन चारों पोर्शन पे आपको अच्छे से कमांड रखनी है। कंप्यूटर का पेपर है तो क्वालिफाइंग नेचर का है, 30 से 30% जनरल के लिए उसमें क्वालिफाइंग नेचर के हैं, यानी आपको 30% लाने होंगे, तो 15 से 45 यानी 4.5 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, यानी कि अगर आपके 5 क्वेश्चन ठीक है 15 में से तो आप क्वालिफाइंग हो। लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाइंग नहीं हुए तो आप ये समझिए कि पूरी मेहनत आपकी बेकार चली गई, पहले वाले का कोई मतलब नहीं है, आपकी मेरिट जो बननी है वो 180 और 180 360 नंबर में से ही बननी है, ठीक है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट है, ये टाइपिंग टेस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा और ये 15 मिनट का होगा और ये भी 15 मिनट का होगा, यानी 15 और 15 30 मिनट का। और आप ये मान के चलिए कि इसमें आपको 30 से 40 वर्ड पर मिनट जो है इसकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आपके अगर 35 से 40 की स्पीड है तो वो सफिशिएंट है। तो ये हमारा एग्जाम का पूरा प्रोसेस था, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको होल नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम आएगा पूरा, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन स्क्वायर रूट एवरेज इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पार्टनरशिप बिजनेस मिक्सर एलोकेशन, एलजेब्रा की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, ज्योमेट्री मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि एडवांस मैथ भी आपके इसमें साथ साथ चलेगी, ठीक है। तो अब ये मोटा मोटा जो इसका आइडिया था, आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। और सबसे मेन बात कि आज से ही आप मैथ रीजनिंग जीके और इंग्लिश इन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 2.5 महीने का समय बचा है और यही आपका टीयर 1 क्लियर करवाएगा, यही आपका टीयर 2 क्लियर करवाएगा, ठीक है। आप सभी आज से ही मेहनत में जुट जाइए और अपना सिलेक्शन अपने को लेना है, बहुत जल्द लेना है, 2.5 महीने आपके पास है, तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।